वेलकम टू वी लर्निंग स्कूल बाय सचिन। हम पढ़ रहे थे एनटीपीसी ग्रुप डी एसएससी सीएचएसएल यूपीएसआई एमटीएस एग्ज़ाम के लिए इंडियन पॉलिटी के कुछ खास फैक्ट्स जो को अक्सर एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं। तो उसी सीरीज में हमारा लेक्चर 5 है, पॉलिटी का भारत परिषद अधिनियम 1919। लास्ट लेक्चर में हमने भारत परिषद अधिनियम 1892 तक कवर कर लिया था। इस सेक्शन में हम उससे आगे कवर करेंगे। तो भारत परिषद अधिनियम 1919 आता है, इसको मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। मार्ले मार्ले कौन थे? भारत के राज्य सचिव। और मिंटो कौन थे? इंडियन वायसराय। लक्ष्य क्या थे इसके? भारत परिषद अधिनियम 1892 के जो दोष थे उनको दूर करना, भारत में बढ़ते हुए राष्ट्रवाद एवं उग्रवाद का सामना करना, यानी कि भारत में अब राष्ट्रवाद और उग्रवाद होने लगा था, यानी कि लोग अपनी आज़ादी के लिए आवाज़ उठाने लगे थे। प्रावधान क्या किए गए इसमें? केंद्रीय एवं प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों में संख्या में वृद्धि की गई, यानी कि जो प्रांतीय विधानसभा थी और केंद्रीय विधानसभा थी उसमें सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। केंद्रीय परिषदों में सदस्यों की संख्या 1 से 60 हो गई, जबकि प्रांतीय विधान परिषदों में सदस्यों की संख्या एक समान नहीं थी। केंद्रीय परिषदों में सरकारी सदस्यों की संख्या के बहुमत को बनाए रखा गया, जबकि प्रांतीय परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों के बहुमत की अनुमति थी। 1892 क्या था? सरकारी सदस्यों के बहुमत की अनुमति नहीं दी गई थी, लेकिन इसमें दी गई। दोनों ही स्तरों पर विधान परिषदों के कार्यों का दायरा बढ़ाया गया, जैसे पूरक प्रश्न पूछना, बजट पर संकल्प रखना, यानी कि उस लास्ट वाले में क्या था, बजट पर बहस तो कर सकते थे लेकिन कोई क्वेश्चन नहीं पूछ सकते थे। पहली बार किसी भारतीय को वायसराय की कार्यपालिका में शामिल किया गया। तो ऐसे शामिल होने वाले प्रथम कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, इनको विधि सदस्य बनाया गया था। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ किया गया, यानी कि केंद्रीय विधानसभा में मुसलमानों के लिए अलग से सीटें आरक्षित रखी गई। भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक मिंटो वॉयसराय को कहा जाता है, जो उस समय पर इंडिया के वॉयसराय थे। अब ये सांप्रदायिक निर्वाचन था क्या? जो सीट मुसलमानों के लिए रिजर्व की गई थी उस पर केवल मुसलमान ही वोटिंग कर सकते थे। जैसे कि आज आज हमारी डेट में कोई रिजर्वेशन सीट है और उसे कोई वोटिंग होगी तो उस पर वोट सभी करेंगे, यानी कि सभी सदस्य उस पर वोट करेंगे, सभी जनता वोट करेगी। लेकिन इसमें ऐसा नहीं था। इसमें अगर मुसलमानों के लिए कोई सीट रिजर्व की गई है तो उस पर केवल मुसलमानों का ही वोटिंग होगा, यानी कि एक तरीके से ये डिवाइड एंड रूल वाली प्रणाली अपनाई गई थी, और इसके जनक मिंटो वॉयसराय थे। फिर आता है भारत शासन अधिनियम 1919। ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम है। मॉन्टेग्यू कौन थे? भारत के राज्य सचिव, और चेम्सफोर्ड उस समय भारत के वॉयसराय। 1919 में जलियांवाला बाग कांड हो चुका था, यानी कि कब हुआ था? बैसाखी के दिन हुआ था, 14 अप्रैल 1919 को। उस समय सुधारों की मांग होम रूल आंदोलन के अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। प्रथम विश्व युद्ध आदि अनेक कारणों से यह अधिनियम पारित किया गया। इसमें क्या प्रमुख प्रावधान किए गए? प्रांतों में द्वैध शासन का प्रारंभ किया गया, यानी प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया। लियोनल कार्टिस द्वैध शासन प्रांतों के जनक माने जाते हैं। प्रांतीय विषयों को दो भागों में बांटा गया। एक हस्तांतरित विषय, इसमें क्या था? शिक्षा, पुस्तकालय, स्थानीय स्वायत्त शासन, चिकित्सा, सदस्यता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, उद्योग, सार्वजनिक मनोरंजन आदि थे। गवर्नर जनरल या वायसराय विधान परिषदों के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों की सहायता से संचालन करते थे। उस समय गवर्नर जनरल का पद समाप्त हो चुका था। क्या पद था? वायस राय का पद था। आरक्षित विषय क्या थे?
रक्षा, राजस्व, वित्त, न्याय, विदेश मामले, भूमिका, अकाल सहायता, पुलिस पेंशन, छापाखाना, समाचार एवं सिंचाई, जल मार्ग, कारखाना, बिजली, गैस, श्रमिक कल्याण, औद्योगिक विवाद, सार्वजनिक सेवाएं आदि। तो जो ये आरक्षित विषयों का संचालन था, वायसराय अपनी कार्यकारी परिषदों के माध्यम से करना था। सीमित मताधिकार तथा सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल बनाया गया। केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था की गई, जैसे कि आज की डेट में हमारे यहाँ राज्यसभा और लोकसभा होती है, ऐसे ही वहाँ पर क्या बनाई थी, राज्य परिषद, इसे उस सदन बोलते थे, इसमें 60 सदस्य होते थे, उसका कार्यकाल 5 वर्ष का था। केंद्रीय विधान परिषद, इसे निम्न सदन बोलते थे, जिसमें सदस्य की संख्या 49 थी और कार्यालय 3 वर्ष का था। सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार मुसलमानों के साथ सिख, भारतीय, ईसाई, आंगल, भारतीय, यूरोपीय आदि को शामिल किया गया। फिर आता है भारत शासन अधिनियम 1935। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारा जो वर्तमान संविधान है उसका लगभग 2/3 हिस्सा इसी अधिनियम से लिया गया है। संघीय शासन प्रणाली की नींव रखी गई जो सफल नहीं हुआ, ब्रिटिश भारतीय और प्रांत देशी प्रांत। प्रांतों में द्वैत शासन की समाप्ति हो गई, यानी कि प्रांतीय स्वायत्त का प्रावधान हो गया। केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया। 3 सूची बनाई गई, संघ सूची, प्रांत सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची यानी कि जिस पर संघ निर्णय बनाएगा, प्रांत सूची जिस पर प्रांत कानून बनाएगा, और समवर्ती जिस पर दोनों अपनी सहमति से कानून बना सकते हैं। कुछ अवशिष्ट विषय भी थे जो गवर्नर जनरल के अधीन रखे गए। इसमें 321 धाराएं व 10 अनुसूचियां थी। संघीय विधानसभा द्विसदनात्मक, यानी कि विधानसभा या निम्न सदन, राज्य परिषद यानी कि उच्च सदन। विधानसभा में 375 सदस्य थे, जिसमें 250 ब्रिटिश प्रांत भारत से थे, यानी कि जो 250 ब्रिटिश भारत के प्रांत थे उससे थे, और 125 देसी रियासतों से थे। राज्य परिषद में 150 ब्रिटिश प्रांतों से निर्वाचित, 6 गवर्नर द्वारा नामित, देसी रियासत द्वारा नामित। फेडरल, फिर लोक सेवा आयोग की स्थापना, और संयुक्त लोक सेवा आयोग और प्रांतीय लोक सेवा आयोग की स्थापना, मीन्स यूपीएससी, और ये स्टेट जो स्टेट वाली एसएससी होती है, ये प्रांतीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। संघीय न्यायालय या फेडरल कोर्ट की स्थापना 1937 में की गई। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, मॉरियस गवेयर। ये बहुत पूछा जाता है कि जो संघीय न्यायालय की फेडरल कोर्ट की स्थापना 1937 में हुई थी, उसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो उसे थे मॉरियस गवेयर। ब्रिटेन में भारत परिषद की समाप्ति हो गई। 12 राज्यों में से 6 में द्विसदनीय व्यवस्था का प्रारंभ किया गया, यानी कि बंगाल, बम्बई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत और असम। हमारे देश में आज भी 6 राज्यों में द्विसदनीय विधानसभा और विधान परिषद, वो 6 राज्य कौन से हैं, उनका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। तो ये भारत शासन अधिनियम 1935 था। उस पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको दासता का चार्टर कहा था। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1935 का जो अधिनियम आया था, दासता का चार्टर, उसे किसने कहा था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। होमवर्क है, भारत शासन अधिनियम 1935 को दासता का चार्टर किसने कहा था, भारत में सांप्रदायिक निर्वाचक का जनक कौन माना जाता है। Post your answer in comment section. Thanks for watching. Like and subscribe this channel.